कर्ज कैसे दूर होगा? आज कर्ज को दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप सूद खा लें, लोगों का जहन है सूदी कारोबार कर लें, चोरी कर लें, धोखा दे लें, और ये सारे के सारे रास्ते जहन्नम के रास्ते हैं। लेकिन शरीयत ने जो रास्ता बताया वो क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, कहते हैं अल्लाह के रसूल कर्ज मेरे ऊपर आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मैं तुझे ऐसे कलिमात ना सिखा दूं, लो कान अलैक मिस्लु जबल सबीर दैना। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर तेरे ऊपर सबीर पहाड़ जितना भी कर्ज है, दो चार लाख की बात नहीं हो रही, अद्दाहुल्लाहु अनका, तेरा रब उस कर्ज को उतारने का बंदोबस्त फरमाएंगे, सिर्फ इतने कलिमात जुबान पे ले आ, अल्लाहुम्मा इक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अग्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाह मुझे हलाल नसीब फरमा और हराम से बचा, अल्लाह मुझे अपना फकीर बना अपने फजल से, मुझे दूसरों के सामने फकीर न बनाना, किसी के सामने हाथ फैलाने वाला ना बना। ये कलिमात अगर कोई पढ़ ले, दो चार लाख की तो बात ही नहीं है, जबले सबीर जितना भी कर्ज हो, ईमान हो, तो अल्लाह उसको उतारेंगे।